एवरीवन, सो हमने लास्ट कुछ सेशंस में कुछ थ्योरीज देखी हमने कि हमारा ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पे हमने देखी थी। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। बिकॉज देखो, ज्यादातर मैथमेटिक्स की जहां तक बात है, तो जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तब तक आपको मतलब समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या होता है, राइट। सो ओके, तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, सो लेट अस सी दिस। तो इस प्रॉब्लम को देखने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। पहले अगर आपको ये इसका कंसेप्ट पता है तो खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, खुद को खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखते क्यों आप आंसर बताना कि आंसर क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके पास देखो है क्या, आपके पास ये बने वेक्टर ए इज दिस, ये तीनों जो है ए बी सी, दीज आर द साइड्स ऑफ एन ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के ये साइड्स हैं। आपसे पूछा कि ये किस तरह का ट्राइंगल जो है वो बना है, तो सबसे पहले इसको देखो, सिंपल सी बात है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो सारे इक्वल होंगे, आइसोसेलेस होगा तो इसमें कोई दो इक्वल होगा, और राइट एंगल होगा तो इन दोनों में से किसी एक का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, या फिर ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप अगर बात करें ए की, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए, सो मॉड ऑफ ए वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ 14। आई होप दिस पार्ट इज ओके। 9 प्लस 4 प्लस 1 सिंपली 40। इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 25 प्लस 9, सो 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 34 प्लस 1 दैट इज 35, राइट, सो अंडर रूट ऑफ 35। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो ये हो गया आपका 35। और अगर हम रूट सी की बात करें तो रूट सी दैट शुड बी इक्वल टू, सो मॉड सी का मतलब समझ रहे हो, ये सारे इसके मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो सी इज दिस, अगर सी की हम बात करें सो दैट शुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड दैट शुड गिव अस, ये कितना देगा आपको 16 प्लस 5, सो दैट इज इक्वल टू 21, राइट, रूट ऑफ 21। तो अब आपको पता है कि ये देखो यहां से आपको दिख रहा होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड दैट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, राइट। तो इसका मतलब यहां से अगर आप देखो इसका स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर दैट इज 14, बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 35, सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21, मतलब सिंपली यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करें तो हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। सो द राइट आंसर इज दिस इज दिस, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है, ओके फाइन कूल। तो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो पहले क्वेश्चन के बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो एक बार देखिए फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, आफ्टर दैट विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, कमेंट करो, देन आफ्टर आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आई होप ओके फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। देखो हमारा क्या है, यहां पे पूछा गया है कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि ये जो सरफेस आपके पास x square plus y square plus z square that is equal to 6, इस पे इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो याद है हमने पिछले जो पहली क्लास थी हमने वहां पे हमने बात करी थी फिजिकल, मतलब जो व्हाट इज द एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैड, जो आपका ग्रैड है उसका एक्चुअली फिजिकल मीनिंग क्या होता है। सो फिजिकल मीनिंग इज व्हाट, कि ग्रैड जो होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, स्टीपेस्ट तो परपेंडिकुलर होता है। सो फाइन हमें क्या फाइंड करना है, सो ग्रेडियंट ऑफ दिस थिंग, ओके। सो फाइंड करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब बात करोगे सर फाई क्या है, सो फाई विल बी सिंपली इक्वल टू, अगर इक्वल टू 6 है इसको एक साइड लेके आ जाओ, सो फाई विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। आपको क्या करना है, फाई का जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करना। सो लेट अस डू दिस। ये क्या होता है, आई आई कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस थिंग फाई प्लस क्या हो जाएगा, आई डेल बाय डेल वाई सॉरी जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई अगेन, ठीक है, एट द पॉइंट दिस। ध्यान रखना इस पॉइंट का फाइंड करना। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड कर लेते हैं। चलो ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट शुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाला पार्ट सिर्फ बचेगा यहाँ पे, तो आई इंटू टू एक्स प्लस जे इंटू टू वाई, आई होप दिस पार्ट इज ओके, प्लस k into 2z, this part is okay, because c का 6 का differentiation करोगे वो ऐसे भी 0 होगा, okay fine, point कौन सा है, gradient phi at
कौन से पॉइंट पे? सो दैट इज 2, 1, 1. व्हाट विल बी दैट? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4i क्या प्लस 2 इनटू y, अगेन 2j क्या प्लस 2 इनटू 1, मतलब अगेन 2k क्या. दिस पार्ट इज ओके, बट क्या आपको नॉर्मल पे कैलकुलेट करना? सो आंसर इज नो. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. इस पे अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, सो दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ y, दैट्स ऑल. मतलब ये 5 तो आपका हो गया, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या सो 2 कॉमन निकाल लेते हैं. सो देयर विल बी 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय, इस पे डिवाइड किससे करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 दैट इज 20, 16 प्लस 4 दैट इज 20, 20 अंडर रूट ऑफ 24, राइट. दिस पार्ट इज ओके. अब इसको आपको सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहां पे. अगर 24 की बात करें, सो 24 दैट इज इक्वल टू 4 into 6, राइट. सो बेसिकली दिस विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6. सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर, करेक्ट. आई होप दिस पार्ट इज ओके, तो ऑप्शन जो है उसको मैच कर दो, ठीक है. ओके डन, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, फाइन. आई होप, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगर आपको आता है ये क्वेश्चन, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव से है. सो आप ट्राई करो, अगर ये आपसे हो जाता है दैट इज ओके, अगर नहीं होता मतलब पहले वीडियो को पॉज करके बट ट्राई करो, हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो लेट अस सी दिस. ओके सो लेट अस स्टार्ट. देखो आपका है क्या यहां पे, आपको क्या करना है, fxy इसका जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन दिस डायरेक्शन. याद रखना यहां पे क्या है, सिंपली आपको एंगल गिवन है और आपको इस डायरेक्शन में जो है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना. तो आपको याद होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या, हम बात करें अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, सो दैट वाज सिंपली इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ phi, या f की बात करते हैं, f इज आल्सो ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ phi और f डॉट द यूनिट वेक्टर जिसके डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना. सो यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो देखो होता क्या, इस केस में एक ही लोचा है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना. तो देखो आप एक बात बताओ, आपके पास क्या x y एक्सिस है, अब ध्यान रखना ये दिया होगा कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा, ठीक है. ओके सो इफ थीटा इज पाई बाई 4, अगर थीटा जो है ये पाई बाई 4 है तो किसी भी पॉइंट में, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसे कंपोनेंट्स तोड़ देते हैं. सो द यूनिट वेक्टर a दैट विल बी इक्वल टू, या फिर हम a लिख देते हैं, सो a दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू cos पाई बाई 4 i कैप प्लस sin पाई बाई 4 j कैप. सिंपली आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स में तोड़ देना और इनको वेक्टर फॉर्म में लिख देना. सो यूनिट वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, cos पाई बाई 4 i कैप प्लस sin पाई बाई 4 j कैप, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, तो आपका काम यहां पे खत्म हो गया कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, दिस इज सिंपली. और ये क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय रूट 2 ऑफ i कैप प्लस j कैप. आई होप दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर. a यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 1 बाय रूट 2, sin पाई बाई 4 1 बाय रूट 2, दैट्स ऑल, हो गया आपका. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ग्रैड ऑफ फाई आप कैलकुलेट कर लोगे, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ग्रैड ऑफ फाई. सो ग्रैड ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू i डेल बाय डेल x, ठीक है. उसके लिए यहां पे क्या करोगे, फाई या सिंपली यहां पे अगर x लिखते हैं, अगर f लिख रहे हो तो f ही लिख के चलो, ओके फाइन. सो f प्लस j डेल बाय डेल y ऑफ f अगेन, राइट. आई होप दिस पार्ट इज ओके. इसका डेरिवेटिव आपको लेना है, x के रिस्पेक्ट में लोगे, दिस विल बी 2xy³ i कैप प्लस क्या हो गया, j कैप तो होगा ही होगा यहां पे, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये क्या बन जाएगा आपका, 2 दिस विल बी 3x²y³, ठीक है, माइनस 4y³, ठीक है. इसको थोड़ा सा हम अलग करके रख लेते हैं, ठीक है. ओके नाउ व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज 2, 1, तो x की वैल्यू 2 रखो, 4 और 1 क्या हो गया यहां पे, 4i कैप प्लस x की वैल्यू जो है दैट इज 2, y की वैल्यू दैट इज 1, 4 3 जा 12 माइनस 4, so 12 minus 4 is 8 j cap. I hope this part is okay. Grad phi आपका निकल गया, आपको इसके साथ क्या करना है, इसको dot product लेना. So grad of phi, to grad of phi dot of unit vector a, and that will be equal to 4 i cap plus 8 j cap dotted with, इसको dot किसके साथ करोगे, 1 by root 2 i cap plus j cap, right? So 1 by 2 common ले लो, ये क्या हो जाएगा, 4 into 1 that is 4 plus 8. So that is 12 by root 2. So 12 by root 2 क्या होगा? That will be simply equal to 6 root 2. I hope this part is done. आराम से, बहुत easily समझ आ गया होगा, ठीक है?
सो दिस इज द डायरेक्शन इन इनपुट, जो भी ऑप्शन है इस पे आप टिक कर दोगे। आई होप यस क्लियर, ओके फाइन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखो आपका चौथा क्वेश्चन ये है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर आते हैं वापस। देखो है क्या आपका, यहां पे क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पैरेलल टू दिस सरफेस। तो चूंकि पैरेलल की बात हो रही है, आपको पता है कि ग्रेड ऑफ फाई जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब ग्रेड ऑफ फाई अगर इसके परपेंडिकुलर है और कोई वेक्टर अगर इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ग्रेड ऑफ फाई इनटू दैट वेक्टर डॉटेड विद दैट वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब ये वेक्टर आपको कहां से यूज करना, सबसे पहले ध्यान से देखना, आपको पहले ग्रेड ऑफ फाई फाइंड करना। तो ग्रेड ऑफ फाई आप फाइंड कर दोगे, सिंपली क्या करो, इसको -4 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको ग्रेड ऑफ फाई फाइंड करना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, सो दैट इज इक्वल टू 2xy प्लस 2z राइट प्लस 2z i कैप प्लस, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x2 j कैप प्लस क्या हो जाएगा, अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x k कैप, सिंपली दिस। अब क्या करो, यहां पे 2 माइनस 2 और 3 पे पुट करो। सो 2 माइनस 2 3 अगर इस पे पुट करोगे माइनस 8 प्लस 6 तो आ जाएगा माइनस 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, दिस पार्ट इज ओके। अब क्या करना, आप एक एक करके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें जो वेक्टर्स हैं इनको इनके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। सो प्लीज मैच इसको कर दो, हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहां पे अगला प्रॉब्लम क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सरफेस दैट इज टेंजेंशियल टू दिस। इस सरफेस पे आपका फाई जो है दैट इज डिफाइंड एज एक्स वाई जेड माइनस एट, इस पे इस पॉइंट पे 1 2 4 पे कौन सा प्लेन है जो कि इस पे टेंजेंशियल होगा। सो अगेन फिर से वही कंसेप्ट लगाना कि जो ग्रेडियंट होगा इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, सो ग्रेडियंट विल बी वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप एट विच पॉइंट, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 2 4 That should be equal to 2 into 4. That is equal to 8 i cap plus ये क्या हो जाएगा x into z. मतलब 4 j cap plus x into y. So that is 2 k cap. I hope this part is okay. So gradient of phi ये था. अब क्या करना है आपको? एक plane की equation निकालनी है जो कि इसके tangential हो. मतलब वो plane जो होगा वो इस पे perpendicular हो. Grad जो होता है वो इस पे perpendicular, right? Phi पे perpendicular है. So now let's find that part. So मान लेते हैं कि हमारा जो point है, मान लेते हैं वो arbitrary point है x y z. अब x y z जो है वो इससे पास हो रहा है, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा, तो एक क्या करते हैं हम यहां पे इक्वेशन लिखते हैं। सो दिस विल बी दैट, सो x - 1 i कैप प्लस y - 2 j कैप प्लस z - 4 k कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब क्या करना, ये जो सरफेस होगा ये जो है ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या करना, अगर मैं इसको लिख दूं, इसको मान लो कि t लिखा हुआ है, इसको मान लो कि p लिखा हुआ है, सो tp पोजीशन वेक्टर दैट शुड बी दिस, सो tp dotted with grad phi that should be equal to 0, ये 0 होना चाहिए, बस इसको फाइंड करो, क्या हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट ले लो 8 into x minus 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 into y minus 2 प्लस 2 into z minus 4 that should be equal to 0 simply because dot product that should be equal to 0, क्या हो गया यहाँ पे 8x plus 4y ठीक है plus 2z minus 8 minus 8 minus 8 that should be 24 that is equal to 0 2 कॉमन है यहां से, क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z दैट इज इक्वल टू 12, सो दैट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दैट सरफेस। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। तो आंसर मैच हो गया होगा, अगर मैच हो गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्लीज इसको ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद इस मतलब वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, हो जाता है ओके, और नहीं होता तो दैट इज सी, ओके। देखो क्या है आपका, मान लो कि v वेक्टर को गिवन है दैट इज दिस। सबसे पहली चीज आपको प्रूव करनी है कि इज दिस इररोटेशनल, तो इररोटेशनल के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, क्या था आपका, कर्ल ऑफ v दैट शुड बी इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ v दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो चलिए प्रूव करते हैं, i कैप j कैप k कैप राइट, और क्या हो जाएगा यहां पे डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y एंड देन डेल बाय डेल z, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया y sin z ठीक है माइनस साइन एक्स, आई होप दिस पार्ट इज ओके। यहां पे क्या हो गया आपका एक्स साइन जेड ठीक है माइनस सॉरी प्लस टू वाई जेड, वेरी गुड। अगला क्या है आपका यहां पे
x y cos z plus y square. आई होप दिस पार्ट इज ओके. तो ये हो गया आपका. अब आपको क्या करना है, सेम वही i ले लिया कॉमन आपने, डेल बाय डेल x i आपने ले लिया, सॉरी डेल बाय डेल y. ओके डेल बाय डेल y. अब इसको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको इसको ऑपरेट करना, तो डेल बाय डेल y ऑफ दिस, तो दैट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x cos z plus 2y, आई होप दिस पार्ट इज ओके, माइनस अब क्या डेल बाय डेल z ऑफ दिस, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या हो जाएगा, x cos z, ठीक है, plus 2y, आई होप दिस पार्ट इज ओके. आपका i कैप वाला पार्ट निकल गया. प्लस करते हैं j कैप वाला पार्ट. j कैप वाला आप कट पार्ट करके नेगेटिव साइन के साथ, तो j कैप ये हो गया आपका. सो डेल बाय डेल z ऑफ दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू y, ठीक है, cos z, y cos z सिर्फ यही बचेगा आपका, माइनस दिस, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस y cos z. आई होप दिस पार्ट इज आल्सो ओके. ठीक है, अब क्या करना है, प्लस k कैप करना है, ठीक है, गुड, k कैप कर दिया हमने, k कैप कर दिया, तो हमारे क्या, डेल बाय डेल x ऑफ दिस, राइट, दिस विल बी डेल बाय डेल x ऑफ दिस. तो डेल बाय डेल x ऑफ दिस अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin z, ठीक है, sin z माइनस, अब ये करो डेल बाय डेल y ऑफ दिस, तो माइनस sin z. आई होप दिस पार्ट इज आल्सो ओके. ओके फाइन. y cos z, this part will cancel, ये part cancel हो जाएगा, इस part को अगर आप ध्यान से देखो, 2y, बीच में negative sign है, x cos z, मतलब overall this is 0, मतलब सबसे पहली चीज हमारी proof होगी कि this vector v is irrotational, v जो हो गया वो irrotational हो गया. अगर कोई vector irrotational है, तो हमें क्या पता है कि हम एक दूसरा इसका हम potential find कर सकते हैं, वो potential, उस potential का form कैसा होगा, so phi, ठीक है, ध्यान सुनना इसको, कि v that can be written as grad of phi. अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना इसको, कि आपको वही grad जो है वो find करके देना है. मैं बस तरीका आपको समझा देता हूं, आपको वही करना है. देखो v के क्या करना है, इसके x cap, ठीक है, y part और z part ये अलग कर लो, और grad of phi जो होगा, grad of phi का मतलब क्या हो गया, del phi by del x i cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, ये क्या करना, क्योंकि इसका जो है, मतलब इसका ग्रेडियंट जो होगा वो इससे इक्वल होगा, मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया, vx that should be equal to del phi over del x. अब देखो आपको vx पता है, vx जो भी था मैंने उसको रब कर दिया वैसे, बाय द वे, बट आप उसको लिख लेना, ठीक है, और उसको सिंपली क्या करना, इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, जो भी इंटीग्रेट होगा प्लस क्या करोगे, f सम फंक्शन ऑफ y एंड z, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज ऑलवेज जीरो.